चैतन्य महाप्रभु भक्त थे, जहां कोई विभक्त को स्थान नहीं था वे कृष्ण में डूबे हुए थे, कृष्ण उसमें समाहित हो चुका था। और तब जाकर के ये भक्ति आंदोलन खड़ा होता है। और इसलिए गौड़िया संगठन, गौड़िया मिशन को शताब्दी का पर्व एक प्रकार से सामाजिक सुधार के आंदोलन की शताब्दी है। 6 फरवरी 1874 में श्रील प्रभुपाद का जन्म श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में हुआ। बाल्यकाल में उनका नाम बिमला प्रसाद था। अपने पिता से गोस्वामी शास्त्र का गहन अध्ययन किया। कॉलेज में खगोल विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय इतिहास एवं दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। मार्च 1918 में श्रील प्रभुपाद ने चंद्रशेखर आचार्य ब्रजपत्तन के निवास पर वैष्णव अनुष्ठानों के साथ संन्यास लिया एवं चैतन्य मठ की स्थापना की। सन 1930 में गौड़िया मिशन के मुख्य कार्यालय को श्री गौड़िया मठ बाग बाजार कोलकाता में स्थानांतरित किया गया। फिर संपूर्ण भारत व विदेशों में कुल 64 शाखाएं स्थापित की गईं। गोस्वामी प्रभुपाद ने 5 प्रांतीय भाषाओं में 6 पत्रिकाओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों का संपादन और प्रकाशन किया। अगस्त 1923 में गौड़िया पत्रिका प्रकाशन हेतु गौड़िया प्रिंटिंग वर्क्स प्रारंभ की। उन्होंने सन 1929 में नवद्वीप धाम परिक्रमा की एवं सन 1932 में विशाल जन मंडली के साथ 84 कोस परिक्रमा की, जो ब्रज धाम के 12 वनों के 162 मील के क्षेत्र में एक महीने तक जारी रही। उन्होंने शिक्षा में क्रांति हेतु भारत के विभिन्न स्थानों कुरुक्षेत्र, मायापुर, कलकत्ता, ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद आदि स्थानों पर विराट आध्यात्मिक प्रदर्शनियां आयोजित की, जिनमें लाखों भक्त आकर्षित होते थे। प्रभुपाद जी का इस महोत्सव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी साक्षात रूप से उपस्थित होंगे और इस उत्सव का गरिमा को बढ़ाएंगे। भारत सरकार के विशेष प्रयास से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव को स्मरणोत्सव वर्ष 2024-2025 के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार के प्रयासों से ही भारत के महान दार्शनिक, महापुरुष एवं संत श्रील प्रभुपाद को संपूर्ण विश्व में यथा योग्य सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के हार्दिक प्रयास से श्रील प्रभुपाद के इस स्मरणोत्सव के द्वारा संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति के शांति, प्रेम एवं श्री कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार प्रसार होगा। इस महोत्सव के द्वारा भारतीय विशुद्ध वैदिक सिद्धांत का प्रचार करने वाले एवं विश्व के हरे कृष्ण आंदोलन के अग्रदूत श्रील प्रभुपाद के प्रति संपूर्ण विश्ववासियों को उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। इनके संदेश अनंत काल तक संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं।